मैं लेक्चर जब ये कंप्लीट करूँगी हम लोग ये आज का सम, इसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको शेयर भी कर दूंगा लिंक, ताकि आप वहाँ से देख भी सकते हो, ठीक है? सो डोंट वरी। और आज का सम कंपैरेटिवली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितना कॉम्प्रिहेंसिव सम लिया था उतना नहीं है, आज का सम फटाफट सॉल्व होगा। आप लोगों ने सबने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं? यस सर। ओके, वेरी गुड। अगर नहीं भी प्रिपेयर किए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बस आप लोगों को क्लासिफिकेशन करते आना चाहिए अकाउंट्स का इनटू डिफरेंट नोट्स टू अकाउंट्स। अब ये नोट्स टू अकाउंट्स कौन सी है, तो बैलेंस शीट की शेयर कैपिटल से लेकर करंट असेट में आने वाले अदर करंट असेट आइटम तक, और पीएनएल की रेवेन्यूज से लेकर हमारी अदर एक्सपेंसेस तक, ठीक है? तो ये नोट्स टू अकाउंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर प्रिपेयर करके रखी है लास्ट सम की तरह, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा गया है उससे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, उन एडजस्टमेंट को यहां पर ट्रायल बैलेंस में दिए जाने वाले आइटम्स को मार्किंग कर लो। जैसे कि पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2012 82,300 रुपीज का है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी। ओपनिंग स्टॉक कहीं पर भी क्वेश्चन में जहां पर दिखेगा वहां पर उसे टिक मार्क कर दो, मार्किंग कर दो। क्यों क्यों? क्योंकि हम लोगों उसके नीचे एक लाइन रिजर्व रखनी है, ठीक है? तो ये ओपनिंग स्टॉक पे यहाँ पे हम लोगों ने टिक मार्क दे दिया। दूसरी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फ्री होल्ड लैंड एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट। ये तीनों असेट पे डेप्रिसिएशन हम लोगों को प्रोवाइड करना है। ये तीनों भी हमारी कौन सी असेट होगी, ये हमारी फिक्स असेट है, फिक्स असेट में आने वाली टैंजिबल असेट्स है या इनटैंजिबल असेट है? टैंजिबल वेरी गुड, टैंजिबल असेट्स है। तो टैंजिबल असेट के कॉलम में जब भी हम लोग कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोगों को सिर्फ वेरीफाई कर लेना है कि उन पे ऊपर एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है? तो एक के बाद एक सारे आइटम्स हम लोग रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। जो नोट्स टू अकाउंट्स हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं उन नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग एक के बाद एक जैसे जैसे आइटम हमें मिलेगा वैसे वैसे वहां पे उसे पुटअप कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेहुल कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें डेबिट साइड के बैलेंसेस हमेशा याद रखना कि डेबिट बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आने वाले वो होते हैं एक तो असेट्स के या फिर एक्सपेंडिचर्स के, और वही क्रेडिट बैलेंस होंगे लाइबिलिटीज से रिलेटेड या फिर इनकम एंड गेन से रिलेटेड। स्टॉक 68,000, ये 68,000 डेबिट में आने वाला ये ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टमेंट में दिया है। तो ये 68,000 बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट में आने वाले नोट्स टू अकाउंट्स के हेडिंग के अंडर हम लोग चेंजेस इन इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करेंगे एज अ ओपनिंग स्टॉक, जिसके लिए वैल्यू है हमारी 68,000 रुपीज। इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 68,000। दूसरा आइटम है हमारे पास में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, टैंजिबल असेट्स है और जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाली बैलेंस शीट की नोट्स, उसमें टैंजिबल असेट्स पहली लाइन पे लिखेंगे फर्नीचर, अमाउंट डेप्रिसिएशन होने की वजह से इनर कॉलम में 50,000 रुपीज। उसी के नीचे लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन, एट द रेट 5% जो कि क्वेश्चन में दिया है। इससे रिलेटेड कैलकुलेशन हम लोग बाद में लिखेंगे जब नोट्स अकाउंट्स, ये एडजस्टमेंट में ऑलरेडी दिया था इसलिए, ठीक है? नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंसेस है जो कि हम लोग सेल्स पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेल्स का डिस्काउंट हम लोग इनकम स्टेटमेंट में आने वाले अदर एक्सपेंसेस के हेडिंग के अंडर लिखते हैं, जो कि है नोट नंबर 28। डिस्काउंट की वैल्यू है हमारी 4,000 रुपीज। अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहला आइटम डिस्काउंट, एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में अमाउंट 4,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट के बाद है लोन टू डायरेक्टर्स।
डायरेक्टर्स को दिया जाने वाला लोन है। ये लोन हमारी देने वाली मतलब जिनसे हमें पैसा लेना बाकी है, ये हमारे लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू डायरेक्टर्स है, हमने दिया है, ये हमारी असेट है। असेट रिकॉर्ड करते वक्त बैलेंस शीट में आने वाली असेट साइड में यहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नोट नंबर 12 में हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं पर स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो जब तक कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता हम लोग उसे लॉन्ग टर्म लोन की तरह ट्रीट करेंगे, जो कि है नोट नंबर 12 में। सो नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 12, उसमें हम लोग लिखेंगे लोन टू डायरेक्टर्स एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, इसलिए अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में होगी और जो है 8,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हमारे एक्सपेंसेस है, डेबिट में आने वाला आइटम है इसलिए एक्सपेंसेस है। बैड डेट्स भी एक्सपेंसेस है, उसी तरह से कमीशन भी एक्सपेंसेस है। ये चारों आइटम हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और जो कि अदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होंगे पीएनएल में, और नोट्स टू अकाउंट्स में अदर एक्सपेंसेस में बनाई हुई नोट नंबर 28, उसमें ये सारे आइटम एक के नीचे एक एडवर्टीजमेंट बैड डेट्स कमीशन नोट नंबर 28 एडवर्टीजमेंट बैड डेट्स कमीशन, जिनके लिए अमाउंट हमारे पास में क्वेश्चन में दी हुई है 2,000, 3,500, 12,000, 2,000, 12,500 एंड 3,000 रुपीज। कमीशन के बारे में सोचते वक्त कमीशन हमेशा अगर डेबिट साइड में आता है तो कमीशन हम लोगों ने दिया है एज ए एक्सपेंडिचर उसे ट्रीट करेंगे। अगर कमीशन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ये इनकम की तरह ट्रीट होगा, कमीशन रिसीव्ड की तरह अदर इनकम के लिए। नेक्स्ट आइटम है परचेसेस। परचेसेस के लिए हम लोगों को पीएनएल अकाउंट में हम लोग अलग से हेडिंग वहां पे मेंटेन करते हैं नोट नंबर 23 में, परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो नोट नंबर 23 में परचेसेस की अमाउंट 231,900 हम लोग वहां पे लिख देंगे। परचेसेस ऑफ स्टॉक सर इन, बोलो। ने गलत लिया, 3,000 लिया, 3,500 कौन सा बैड डेट्स का एंट्री सर। बैड डेट्स का? जस्ट सेकंड। ओके, बैड 2,000, 3,500 एंड 12,000। ओके, 2,000, 3,500 एंड कमीशन जो है वो है 12,000। 2,000, 3,500 एंड 12,000। अब क्लियर? यस ओके, थैंक यू। तो परचेसेस के लिए यहां पर हम लोगों ने लिख दिया है परचेसेस 2,31,900। परचेसेस के बाद नेक्स्ट आइटम जो कि है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड। अब प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड यहां पर कुछ भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं दी है, तो इसे डायरेक्टली हम लोग आउटर में लिखने की बजाय हमेशा हर एक असेट इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि शायद से कुछ हिडन एडजस्टमेंट हो सकती है ऐसा कंसिडर करके। सो प्लांट एंड मशीनरी 86,000 रुपीज इनटैंजिबल असेट्स में, सॉरी टैंजिबल असेट्स में, यहां पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 86,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम रेंटल्स। अब रेंटल के लिए यहां पर डेबिट बैलेंस है, अगेन रेंटल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। 2,500
अदर एक्सपेंसेस की नोट्स में एज अ रेंट अमाउंट 2500 डायरेक्टली आउटर कॉलम. नेक्स्ट आइटम करंट अकाउंट और कैश अकाउंट. करंट अकाउंट और कैश अकाउंट के लिए दोनों भी जगह पे बैलेंसेस डेबिट में दिए हुए हैं. डेबिट है तो असेट्स है. इन दोनों को हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में आने वाली करंट असेट्स में, और करंट असेट के अंडर सब हेडिंग आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके लिए है नोट नंबर 17. इस नोट नंबर 17 में हम लोग एक के नीचे इन्हें लिखेंगे. पहला आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट असेट, सॉरी करंट अकाउंट, और दूसरा कैश, और इनके लिए रेस्पेक्टिव अमाउंट्स ये है 4500 एंड 800. डायरेक्टली आउटर कॉलम एंड 800 दोनों के लिए. इनके बाद नेक्स्ट आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. मैंने पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि इंटरेस्ट जब भी कभी हम लोग कंसीडर करेंगे तो इंटरेस्ट के लिए कंसीडर करते वक्त अगर वो बोरोड कैपिटल पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट होगा तो वो हमेशा फाइनेंस एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होगा. और ये फाइनेंस एक्सपेंसेस के लिए ट्रीट होते वक्त जो वैल्यू है 11,600, इसके लिए इनकम स्टेटमेंट में आने वाले एक्सपेंसेस में एक सब हेडिंग है फाइनेंस एक्सपेंसेस 26 नंबर नोट का. ये नोट नंबर 26 में हम लोग वहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जिसके लिए अमाउंट है 11,600 डायरेक्टली आउटर कॉलम. सिंगल इफेक्ट देना है इसलिए. नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस असेट है. फिक्टिशियस असेट बैलेंस शीट में आने वाली करंट असेट की लास्ट नोट, अदर करंट असेट में हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं. नोट नंबर 19, नोट नंबर 19 में फिक्टिशियस असेट्स, उसमें आने वाला आइटम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंट 1,000 रुपीज. उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारा वेजेस. आप लोग बताओ वेजेस कहां पर रिकॉर्ड होंगे? इनमें से सभी एक्सपेंसेस में कौन सी हेडिंग के अंडर आएंगे वेजेस? एम्प्लॉय बेनिफिट. वेरी गुड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नोट नंबर 25. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के नीचे वेजेस, जिनके लिए अमाउंट है हमारी 90,000 रुपीज. नेक्स्ट आइटम वेजेस के बाद कंज्यूमेबल्स. कंज्यूमेबल्स हमारे जो रेगुलर डे टू डे यूज़ के लिए हम लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या जो छोटे मटेरियल यूज़ करते हैं उनको हम लोग कंज्यूमेबल्स कहते हैं. उन्हें हम लोग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि पीएनएल में आने वाले अदर एक्सपेंसेस की नोट में हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे. यहाँ पर नोट नंबर 28 में कंज्यूमेबल्स ऑफ रुपीज 8,400. नेक्स्ट आइटम फ्री होल्ड लैंड. लैंड के लिए डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, और इसके लिए वैल्यू लैंड की कितनी है? 1,54,600. नोट्स टू अकाउंट्स में टैंजिबल असेट्स में लैंड 1,54,600, इसके नीचे लेस डेप्रिसिएशन, और जिनका परसेंटेज है एट द रेट 2% जो क्वेश्चन में दिया है. यहां पर उसी के नीचे टूल्स एंड इक्विपमेंट, अगेन ये भी हमारी असेट है जिसपे 5% का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाने वाला है. 24,500 टैंजिबल असेट्स में टूल्स एंड इक्विपमेंट,
24,500 डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% के हिसाब से यहां पर भी हम लोग उसे चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला आइटम है गुडविल 26,500 इनटैंजिबल असेट्स में हम लोग इसे लिखेंगे एज अ गुडविल अमाउंट है 26,500 डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट आइटम गुडविल के बाद डेटर्स, डेटर्स कहां पे रिकॉर्ड होंगे? करंट असेट में आने वाले ट्रेड रिसीवेबल्स में, नोट नंबर 16, नोट नंबर 16 इसके अंदर लिखेंगे डेटर्स, और डेटर्स के लिए अमाउंट है 28,700 रुपीज। सेम उसी तरह से नेक्स्ट आइटम बिल्स रिसीवेबल, अगेन असेट आइटम ट्रेड रिसीवेबल्स में ही क्लासिफाई होगा, 15,300 के बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट आइटम डीलर एड्स। अब डीलर एड्स के लिए इसका मतलब होता है कि जो हमारे डीलर्स होते हैं, जो हमारे होलसेल डीलर हो या फिर हमारे रिटेलर्स हो या फिर कोई भी हो, उनसे रिलेटेड जो कोई भी एक्सपेंसेस हम लोग वहां पे उन्हें इनकर्ड करते हैं, उनके बिहाफ पे कुछ एक्सपेंसेस हम लोग पे करते हैं, तो वो एक्सपेंसेस हमारे अदर एक्सपेंसेस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डीलर एड्स अदर एक्सपेंसेस में डीलर एक्सपेंसेस, जो कि है अमाउंट 2,100। डीलर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आइटम ट्रांजिट इंश्योरेंस, अगेन इंश्योरेंस है, एक्सपेंसेस का आइटम है, ट्रेड एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट ये भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम है। तो ये तीनों आइटम एक्सपेंसेस की नोट अदर एक्सपेंसेस में लिखे जाएंगे, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, एक के नीचे एक, इंश्योरेंस देन ट्रेड एक्सपेंसेस डीलर एड्स का एक बार वापस एक्सप्लेन करो। एक सेकंड, डीलर एड्स मतलब क्या होता है कि जो हमारे सपोज हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के कुछ डीलर होंगे, वो प्रोडक्ट्स जो वहां पे होलसेल डील करते होंगे या फिर वहां पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डीलर का काम करते होंगे, उनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस अगर हम लोगों ने इनकर्ड किए होंगे तो वो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए कहीं पर भी हमारे पीएनएल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में अलग से नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनानी है। तो सारे एक्सपेंसेस वो अदर एक्सपेंसेस की नोट्स में वहाँ पे क्लासीफाई होते हैं, इस हेडिंग के अंडर उसे क्लासीफाई रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने नोट नंबर 28 अदर एक्सपेंसेस में उसे रिकॉर्ड किया है। क्लियर? ओके, तो इन तीनों इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस और फ्रेट के लिए जो अमाउंट्स हैं वो अमाउंट 7,200 and 5,400 ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुके हैं।
नेक्स्ट लास्ट आइटम क्वेश्चन में डेबिट साइड में आने वाला है, वो है डिबेंचर इंटरेस्ट। 2000 रुपीज का डिबेंचर इंटरेस्ट है, ये 2000 रुपीज का डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर्स हमारे बोरोड फंड्स होता है, बोरोड फंड्स में दिए जाने वाला इंटरेस्ट हमारा फाइनेंस एक्सपेंसेस, फाइनेंस चार्जेस होता है। दैट्स व्हाई नोट्स टू अकाउंट्स में बनाए जाने वाले फाइनेंस एक्सपेंसेस की जो नोट्स है, यहां पर हम लोग उसे लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट। और लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे हिडन एडजस्टमेंट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2000 रुपीज जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है उसे डेबिट में लिखेंगे, डेबिट सॉरी इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट साइड इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कहां पर आएगा। अरे किधर गए इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की वर्किंग नोट के अंडर यहां पर आएगा शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 2,50,000 की टोटल वैल्यू है। तो नोट्स अकाउंट्स में हम लोग लिखते वक्त यहां पर ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है हमारा, वो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया इसलिए दोनों जगह पे डैश डैश। उसके नीचे हम लोग लिखेंगे इशूड पेड अप कैपिटल, उसके नीचे लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, आगे लिखेंगे फुल्ली पेड अप, पूरे के पूरे पेड अप है इसलिए फुल्ली पेड अप, जिनके लिए वैल्यू है 2,50,000 रुपीज जो कि क्वेश्चन में दी है। उसी के नीचे आने वाला नेक्स्ट आइटम 11% डिबेंचर्स 50,000 रुपीज के हैं। डिबेंचर्स बोरोड कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, उसमें हम लोग लिखेंगे 11% डिबेंचर्स अमाउंट 50,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम बैंक लोन 64,500, उसी के नीचे बैंक लोन 64,500 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर ये दोनों आइटम्स आएंगे। नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, ये दोनों भी हमारे बैलेंस शीट में आने वाले लाइबिलिटी साइड में जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं उसमें आने वाले ट्रेड पेबल्स में रिकॉर्ड होते हैं नोट नंबर 6 के अंडर। सो नोट नंबर 6 के लिए यहां पर हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जिनके लिए रेस्पेक्टिव अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है 15,600 एंड 12,500, 15,600 एंड 12,500 ये हमारे ट्रेड पेएबल्स है। जिस तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं उनका वाइस वर्सा यहां ट्रेड पेएबल्स में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू के लिए नोट्स टू अकाउंट्स पीएनएल में आने वाली सबसे पहली नोट 20 नंबर वाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे सेल्स, और जो वैल्यू है सेल्स की ₹4,26,800 डायरेक्टली आउटर कॉलम 426,800। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, अब यहां पर रेंट जो हम लोगों ने यहां पे किया था डेबिट साइड में वैसे ही कुछ रेंट हम लोगों ने रिसीव भी किया है, ये रेंट हमारा अदर इनकम ट्रीट होगा। रेंट रिसीव्ड नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम की नोट के अंदर रेंट रिसीव्ड अमाउंट है 4,600 रुपीज। अगला आइटम
ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस के बारे में भी सोचते वक्त अगर डेबिट साइड में होगी तो हम लोगों ने पेमेंट किया है एज ए एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, क्रेडिट साइड का आइटम होगा तो क्रेडिट बैलेंस की वजह से वो हमारा इनकम ट्रीट करेंगे हम लोग उसे। सो 1000 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज अ अदर इनकम, ट्रांसफर फीस 1000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 13900। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब क्या? पीएनएल अकाउंट का मेन फॉर्मेट जो होता है उसके अंडर जो हमारा कुछ प्रॉफिट करंट ईयर का बनता है उसमें ओपनिंग बैलेंस हम लोग ऐड करते हैं, उसमें से कुछ अप्रोप्रिएशन करते हैं। अप्रोप्रिएशन करते वक्त हम लोग कहीं ना कहीं उसे रिजर्व और सरप्लस के हेडिंग के अंडर, किसी हेडिंग के अंडर हम लोग उसे ट्रांसफर करते हैं। ये ट्रांसफर करने के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। सो ये बैलेंस अप्रोप्रिएशन का डायरेक्टली हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाले मेन हेडिंग बैलेंस शीट के अंडर आने वाली सेकेंड हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस जो है इसमें लिखेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे हम लोग एज अ ओपनिंग बैलेंस भी ट्रीट कर सकते हैं, और जिनके लिए वैल्यू है अमाउंट दी है क्वेश्चन में 13900 रुपीज। नेक्स्ट लास्ट आइटम ट्रायल बैलेंस का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की कुछ वैल्यू 86000 रुपीज की हमें दी थी क्वेश्चन में, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो ये एक तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, या फिर हमारी लाइबिलिटी है, या फिर हमारे इनकम्स है, राइट? तो प्रोविजन है, प्रोविजन होगी तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होगी। डेप्रिसिएशन के लिए अगर प्लांट एंड मशीनरी जो हमारी कैपिटल असेट है तो इनके लिए इसे हम लोग प्रोविजन्स में रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट में आने वाली लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में आने वाली यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स कहो या फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहो, इस हेडिंग के अंडर हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स यहाँ पर हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं या फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इन दोनों में भी सही इफेक्ट आता है। तो क्वेश्चन सॉरी नोट नंबर फोर, नोट नंबर फोर के अंडर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंडर यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या अमाउंट का है? 14600 का। ये 14600 का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट में आने वाले डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में क्यों नहीं लिखा? तो ये डेप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज करते हैं क्वेश्चन में आने वाले, जो डेप्रिसिएशन हम लोग ये चार्ज करने वाले हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस उस पर्टिकुलर ईयर के लिए है, और वही एक्सपेंसेस हम लोग वहाँ इनकम स्टेटमेंट के अगेंस्ट में चार्ज करते हैं। जबकि जो हमारी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रोविजन है वो हमारी लाइबिलिटी है, हम लोगों ने आगे चल के वो प्रोविजन कहीं ना कहीं सेट ऑफ करनी है, इसलिए उसे हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाले लाइबिलिटीज की हेडिंग के अंडर रिकॉर्ड करते हैं एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आते हैं हम लोग हमारी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2012। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट एड टू बैलेंस शीट इन्वेंट्री एंड सेकेंड लेस फ्रॉम, कहां से लेस होगा? चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये हमारे इफेक्ट्स है, राइट? तो नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाले चेंजेस इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा था, उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, जिनके लिए अमाउंट है 82300। नोट्स टू अकाउंट्स में माइनस 82300, एड लेस करके टोटल डायरेक्टली आउटर कॉलम में, इन दोनों की एड लेस करके टोटल डायरेक्टली आउटर कॉलम में वो होगी माइनस 14300। रही बात इस क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में आने वाले, बैलेंस शीट की नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाले करंट असेट की नोट इन्वेंट्रीज, नोट नंबर 15,
इसमें हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है एडजस्टमेंट में, उसी को यहां पर हम लोग लिखेंगे 82,300 रुपीज। ये हुई क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्चर्स देन फ्रियल लैंड एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इनके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो नोट्स टू अकाउंट्स में टैंजिबल असेट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ लाइंस रिजर्व करके रखी थी, तो उनका कैलकुलेशन फाइनल कैलकुलेशन उन लोगों को यहाँ पर करना है। प्लांट एंड मशीनरी के लिए ऐसा कोई भी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली 86,000 रुपीज एज इट इज आउटर में चले जाएंगे। रही बात फर्नीचर लैंड और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इन पे चार्ज करने जाने वाला डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करेंगे, फर्नीचर का 50,000 का वैल्यू, उस पर 5% डेप्रिसिएशन। चलो आप लोग कैलकुलेट करके अमाउंट बताओ। चलो एवरीवन, सर इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है पीएनएल का। ओपनिंग बैलेंस मतलब यही जो दिया था ना अप्रोप्रिएशन का, ये अप्रोप्रिएशन उनका क्लोजिंग बैलेंस जो ट्रांसफर करके दिया हुआ है, राइट, इसी को हम लोग ओपनिंग भी ट्रीट कर सकते हैं। तो सर उसको डायरेक्ट पीएनएल में ओपनिंग बैलेंस में लिख सकते हैं या फिर रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे, राइट, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने आज लिखा है, वो दोनों भी सही इफेक्ट है, ठीक है। सो टैंजिबल असेट्स के लिए जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके लिए वैल्यूज बताओ। फर्नीचर का 50,000 अमाउंट है जिसपे 5% डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी होगी? 2,500। वेरी गुड, 2,500। ये 2,500 लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में 47,500। सेम ट्रीटमेंट फॉर लैंड के लिए, 154,600 वैल्यू है, उसके ऊपर 2% डेप्रिसिएशन। 3,092। कंफर्म करो। यस सर, 3,092। राइट, 3,092। तीसरा टूल्स एंड इक्विपमेंट, इनके लिए 5%। वन टू 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 फाइव। राइट, 1,225। इन हर एक के लिए हम लोगों ने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज करके आउटर कॉलम में टोटल शिफ्ट कर दी। अब ये जो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने फर्नीचर के लिए, लैंड के लिए और इनके लिए चार्ज किया हुआ है, ये डेप्रिसिएशन हम लोगों को क्या करना होगा, हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना होगा, राइट। ये नोट्स टू अकाउंट्स में कहाँ से मिलेगा, तो नोट्स टू अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर अलग से हम लोगों ने नोट लिख के रखी है, नोट नंबर 27। तो इसके ऊपर चार्ज किया जाने वाला डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, रेस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन जो हम लोगों ने चार्ज किए हैं, वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, फर्नीचर देन लैंड और लास्ट वाला था टूल्स एंड इक्विपमेंट, और इनके लिए जो अमाउंट्स है वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में, रेस्पेक्टिव अमाउंट्स 2,500, देन 3,092 और लास्ट 1,225। ये हमारे डेप्रिसिएशन के सारे आइटम्स के इफेक्ट्स हो गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन हमें दिख रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन के इफेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन हम लोगों ने एडजस्टमेंट में सीखा है कि एक हिडन एडजस्टमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स से रिलेटेड। इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले चेक करो कि डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में। 11% डिबेंचर्स, तो 11% के हिसाब से 50,000 रुपीज पे पूरे साल भर के लिए कितना इंटरेस्ट पे किया जाना चाहिए था, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। 5,500। वेरी गुड, 5,500, राइट। तो टोटल इंटरेस्ट यहां पर मैं कैलकुलेशन लिखता हूं, 5,500 टोटल इंटरेस्ट हमें दिया जाना चाहिए था। ऐसा डिबेंचर इंटरेस्ट कहीं पर भी ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में हम लोगों ने कहीं पर कुछ पेमेंट किया है क्या? तो हाँ, सबसे लास्ट वाला आइटम देखो, 2,000 रुपीज अभी तक हम लोगों ने पे किया है, तो -2,000 रुपीज अगर हम लोग इसमें से करते हैं, तो 3,500 रुपीज अभी भी हमारे लिए
डिबेंचर का इंटरेस्ट देना बाकी है, जिसे हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग। एवरीवन ये समझ में आया बेसिक? पूरे साल भर में 5,500 पे करना था, जिसमें से 2,000 पे कर दिया है, 3,500 अभी भी देना बाकी है। हिडन एडजस्टमेंट, अगर ये हिडन नहीं होती तो इसे लिख के कैसे आता? डिबेंचर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज 3,500, और इस आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर होते हैं नॉर्मली तो क्या होता है? ऐड टू एक्सपेंसेस एंड अदर करंट लाइबिलिटी। सेम उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए, आउटस्टैंडिंग के लिए, यहां पर मैं लिख के रखता हूं, आउटस्टैंडिंग के लिए इफेक्ट्स होंगे ऐड टू फाइनेंस कॉस्ट एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन या फिर अदर करंट लाइबिलिटीज, जिनके इफेक्ट इस तरह से हम लोग देंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में जो फाइनेंस एक्सपेंसेस हम लोगों ने प्रिपेयर करके रखे हैं, उन फाइनेंस एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, यहां पर हम लोगों ने 2,000 ऑलरेडी दे के रखे हैं, और इसमें हम लोग लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, जो कि होगा 3,500 रुपीज का। टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट यहां पर हम लोग पे करेंगे पूरे साल भर के लिए 5,500 रुपीज। इनके लिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यहां पर लिख के रखता हूं, टोटल इंटरेस्ट एट द रेट 11% ऑन 50,000, टोटल पेएबल होना चाहिए था 5,500 लेस पेड, ऑलरेडी पेड किया था हम लोगों ने, वो लेस कर दिया इसमें से 2,000 रुपीज का। सो आउटस्टैंडिंग जो था वो आउटस्टैंडिंग हमारे लिए मिला डायरेक्टली कैलकुलेशन करके 3,500 रुपीज का। ये क्लियर सबको डिबेंचर इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट? एवरीवन किसी को डाउट इसमें? एवरीवन नो डाउट सर। ओके, इसका सेकंड इफेक्ट 3,500 का अदर करंट लाइबिलिटीज में, 3,500 का सेकंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटीज एज अ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, जो कि वैल्यू है 3,500। तो अब क्वेश्चन में दिए गए सारे आइटम्स ट्रायल बैलेंस के, दोनों एडजस्टमेंट्स और तीसरी हिडन एडजस्टमेंट डिबेंचर इंटरेस्ट की, ये सारे भी हम लोगों ने इफेक्ट्स दे दिए हैं। अब नंबर आता है फाइनलाइजेशन का। फाइनलाइजेशन के लिए नोट्स टू अकाउंट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं, उसमें से इनकम स्टेटमेंट को हम लोग पहले चूज करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिंगल आइटम है, डायरेक्टली फाइनलाइज होके आ गया। अदर इनकम में आने वाले दोनों आइटम की टोटल 5,600। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कुछ भी नहीं है, निल। परचेसेस में सिंगल आइटम है एज इट इज टोटल होगी। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में एडलेस करके टोटल 14,300 आउटर में, और वही टोटल कैरी फॉरवर्ड होगी नीचे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आने वाला सिंगल आइटम 90,000 रुपीज के वेजेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके कैलकुलेशन जो डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए किया, इन दोनों की टोटल 17,100। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में आने वाले तीनों डेप्रिसिएशन की टोटल। अदर एक्सपेंसेस में आने वाले ढेर सारे आइटम्स की टोटल 50,100। ये सारे इनकम स्टेटमेंट में अंडर आने वाले नोट नंबर 20 से लेकर 28 तक हर एक नोट की जो फाइनलाइज टोटल होगी, उन टोटल को हम लोगों को ट्रांसफर करना है पीएनएल के इनकम स्टेटमेंट के मेन फॉर्मेट में। और मेन फॉर्मेट में हम लोग लिखते वक्त यहां पर लिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहां पर टोटल आ चुकी है, अदर इनकम में भी यहां पर टोटल ट्रांसफर कर देंगे, दोनों की टोटल टोटल रेवेन्यू मिलेगा। फिर एक्सपेंसेस में आने वाले डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर नोट नंबर 23, 24, 25, 26 और 27, 28 में आने वाले डिफरेंट आइटम्स की सभी रेस्पेक्टिव अमाउंट्स हम लोग यहां पर ट्रांसफर करेंगे।
याद रखना कि चेंजेस इन इन्वेंट्री में आने वाली माइनस फिगर एज इट इज माइनस में यहां पर लिखनी है, साइंस डज मैटर। देन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, जो कोई भी फिगर हम लोगों को यहां पर मिलेगी वो होगी हमारी एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इस तरह के एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कोई भी नहीं होने की वजह से वही हमारे लिए कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, नीचे वही सेम अमाउंट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। टैक्सेस से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से टैक्सेस भी हम लोग करंट ईयर के लिए नील ट्रीट करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस करके ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो यहां पर हम लोगों को इस लेवल पे मिल रहा है, ये डायरेक्टली हम लोग इसी लेवल पे लिख सकते हैं। अगर आपको दिखाना हो तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ये बीच वाली जो लाइंस हैं इनको हम लोग हाइड कर दें तो यहाँ पे होने वाली बैलेंस फिगर डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसीडर होगी। ओपनिंग बैलेंस अभी कुछ भी नहीं है इसलिए डैश। रिटेन्ड अर्निंग्स 50,783, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट। सो 50,783 की ये अमाउंट बैलेंस शीट में आने वाले रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे 50,783, और जिसे नाम देंगे करंट ईयर पीएनएल बैलेंस या करंट ईयर प्रॉफिट। इसे हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स भी, ठीक है। तो ये आइटम यहां पर लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो बैलेंस शीट में आने वाले नोट्स टू अकाउंट्स नोट नंबर 1 से लेकर नोट नंबर 19 तक अगेन फाइनलाइज करो। शेयर कैपिटल 25,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस की दोनों की टोटल 64,683, उसी तरह लॉन्ग टर्म लोन्स और बोरोइंग्स के लिए दोनों की टोटल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिंगल आइटम है इसलिए यहां पर एज इट इज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कुछ भी नहीं है, ट्रेड पेएबल्स के लिए 28,100 दोनों की टोटल, अदर करंट लाइबिलिटीज में आने वाला सिंगल आइटम 3,500 रुपीज का डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो एज इट इज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नील, टैंजिबल असेट्स के लिए सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखी है इन सभी आउटर कॉलम की टोटल, इनटैंजिबल असेट के लिए सिंगल आइटम है गुडविल एज इट इज नीचे टोटल में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं थी क्वेश्चन में इसलिए नील, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सिंगल आइटम लोन टू डायरेक्टर्स के लिए 8,000 रुपीज एज इट इज, अदर नॉन करंट असेट में कुछ भी आइटम नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इन्वेंट्रीज में आने वाला क्लोजिंग स्टॉक का सिंगल आइटम, सेम टोटल विल बी कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट मेन फॉर्मेट, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों की टोटल जैसे डेटर्स और बिल रिसीवेबल की टोटल एज इट इज, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की टोटल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कुछ भी नहीं है इसलिए लास्ट आइटम अदर करंट असेट एज इट इज 1,000 रुपीज टोटल। ये सारी टोटल जो हम लोगों ने फाइनलाइज करनी है, इसे फाइनलाइज करने के बाद बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में हर एक आइटम के सामने उसकी टोटल वहां पे ट्रांसफर कर देनी है। ट्रांसफर करते वक्त बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में यहां पर आप लोग देख सकते हो कि टोटल यहां पर लिख के आ चुकी है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है इसलिए आपको वो मैन्युअली करना होगा। तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7 ये सारी नोट्स की टोटल यहां पर आ चुकी है, टोटल ए 475,383 रुपीज की अमाउंट की है, उसी तरह से टोटल बी जो नोट नंबर 9 से लेकर नोट नंबर 19 तक के आइटम्स की है, टैंजिबल असेट इनटैंजिबल असेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट टोटल करंट असेट्स की जो नोट्स हैं उन सभी में ये टोटल्स हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, और दोनों टोटल ए और टोटल बी लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड के टोटल को यहाँ पर टैली करेंगे, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये दोनों भी टोटल टैली हो रही है। ठीक है एवरीवन, तो ये ट्रीटमेंट समझ में आया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हाँ बोलो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे वो 2000 पेड किया है, वो किधर मेंशन किया है? जो हम लोगों ने 2000 पहले पेड किया है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी, डिबेंचर इंटरेस्ट 2000 रुपीज पेड इन ट्रायल बैलेंस का आइटम है,
तो हम लोगों ने वो ओके फाइनेंस थैंक्स। एक्सपेंसेस में उसे पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा था जब हम लोग ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट दे रहे थे तब, यहाँ इस लेवल पे।